मिश्रा जी, एक बात तो है कि केजरीवाल मतलब जितने ड्रामे करता है, लेकिन वो कम से कम उस वो बीजेपी की जो फिलॉसफी है उसको पकड़ के उसी को ही यूज कर रहा है उनके ऊपर, है जी। देखिए, केजरीवाल की एक बुद्धिमत्ता तो मैं बोलूंगा, डायमंड कट्स डायमंड, लोहे को लोहा काटता है, विषम विषे मारे, विष को विष ही मारता है। केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से, एक बड़ी होशियारी से एक काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पता नहीं बीजेपी वाले अभी उसको पकड़ पाए हैं कि नहीं पकड़ पाए हैं। पहले प्रधानमंत्री के कई चेहरे थे, ममता बनर्जी, KCR, नीतीश कुमार सब थे। केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, यानी छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो भी लेकिन स्टेट भी बात नहीं है, पैन इंडिया लेवल की, यानी प्राइम मिनिस्टर लेवल की। टारगेट उनके जो मुद्दे होंगे, जो स्टेटमेंट होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर लेवल के, यानी वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर चेहरा धीरे धीरे करके परसेप्शन को इनपुट की तरह पब्लिक के दिमाग में डाल रहे हैं, लेयर बाय लेयर। तो वो एक परसेप्शन क्रिएट करने में लगे हैं कि हम भले ही हैं, छोटे से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भाई, बिहार में लालू यादव की फैमिली कभी बिहार के बाहर नहीं निकलती है, राष्ट्रीय मुद्दों पे आते नहीं है। अखिलेश यादव और बहन जी मायावती कभी राष्ट्रीय मुद्दों पे नहीं आते हैं, केवल यूपी इलेक्शन तक ही सिमट के रह जाते हैं। केजरीवाल एक ऐसे हैं कि अगर आसाम में भी इलेक्शन हो रहा है और नहीं लड़ रहे हैं तो उछल कूद मचाएंगे, बात जरूर करेंगे। वो उनकी एक स्ट्रेटजी है कि अपने आप को प्रोजेक्ट करो कि हम पूरे देश की खबर रखते हैं, चिंता रखते हैं, और हम एक PM कैंडिडेट हैं। साइलेंट वे में इस मैसेज को पब्लिक के दिमाग में डाला जाए, वो एक मिशन पे है। लेकिन जिस हिसाब से ये अपना चेहरा बदलते हैं ना, पब्लिक इनके ऊपर बिलीव नहीं कर रही है। देखिए, कभी जो आदमी राम मंदिर के खिलाफ खड़ा था और ऐसी धर्म विरोधी बातें करने वाला, आज भगवान ने उसको सद्बुद्धि दे दी, आज वो लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने लगा। गजब की बात है भाई, ये तो मतलब भगवान शबनम जी, भला कर, शबनम जी, सद्बुद्धि दे दुनिया दे। दुनिया बड़ी